हेलो, मैं राजन कुमार। आज हॉबी आइडियाज़ में आपको डिजाइन बताने जा रहा हूँ। जैसे पिछले कक्षा में आपको बताया था बॉर्डर के डिजाइन बनाना, तो मैंने कहा था कि बीच की सेंटर डिजाइन बताऊंगा नेक्स्ट कक्षा में। तो आज आइए हम सब सीखते हैं कि कैसे बीच के डिजाइन या बुटीक बनाएंगे। तो चलिए सीखते हैं डिजाइन आइडियाज़ में डिजाइन बनाना। तो डिजाइन बनाने के लिए लेते हैं एक पेपर, कार्बन पेन या पेंसिल और एक कैंची। सबसे पहले डिजाइन बनाने के लिए पेपर को 4 इंच बाई 4 इंच में कट करते हैं। 4 इंच जैसे कि स्केल पे देखते हैं, 4 इंच पे इधर से निशान मैंने लगा लिया, यहाँ 4 इंच, और फिर उसी तरह से इस साइड से भी 4 इंच पे निशान लगा लिया। अब दोनों लाइन से यूँ मोड़ेंगे और फिर इसको कट लगाएंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि 4 इंच बाई 4 इंच का पेपर यूँ कट गया। अब इसी तरह से कार्बन को भी पेपर की तरह, पेपर के साइज में 4 इंच बाई 4 इंच काट लेते हैं। अब कार्बन कट चुका है और पेपर और कार्बन को यूँ रखते हैं। पेपर के ऊपर कार्बन को ऐसे रखते हैं, ठीक है। ऐसे रखने के बाद फिर कार्बन अंदर की ओर चला जाएगा, ऐसे दो भागों में इसको मोड़ लेते हैं, दो बराबर भागों में यूँ मोड़ लेंगे। अब मोड़ने के बाद इस पे डिजाइन ड्रॉ करते हैं। बंद वाले हिस्से लेफ्ट हैंड की साइड की रहनी चाहिए और रहने चाहिए, और ओपन वाले हिस्सा राइट हैंड साइड की ओर रहना चाहिए। अब बंद वाले हिस्से की ओर से स्टार्ट करते हैं बनाना डिजाइन। कोई भी कर्व लाइन, जैसे कि मैं यहाँ बना रहा हूँ, दो कर्व लाइन खींचेंगे और फिर थोड़ा सा डिस्टेंस लेते हुए एक और कर्व लाइन खींचेंगे, फिर नीचे में यूं कर्व लाइंस के हेल्प से यूं फूल की पंखुड़ी की तरह डिजाइन बनाते जाते हैं। बीच में ये जो बड़े खंड बन गए, इसके बीच में राउंड राउंड सर्कल की तरह बनाते हैं, फिर डॉट भी दे सकते हैं। इसके बीच में एक एक डॉट दे देते हैं। यहाँ जो रेखाएं हैं, ऐसे रेखाओं की सहायता से पत्तियों में डिजाइन क्रिएट करते हैं ऐसे। ऐसे साइड में अगर खाली जगह हो तो यहाँ भी डिजाइन बना सकते हैं यूँ। इस तरह से जब इतना बन जाता है तो आप इस डिजाइन को यूं, अब कार्बन को ये ध्यान से देखिए, कार्बन को हटाते हैं और ये रहा आपका बुटीक डिजाइन। ये आपका एक बुटी हो गया, किसी भी साड़ी पे, टेबल क्लॉथ पे, कोई सूट पे इस डिजाइन को ट्रेस कर सकते हैं। डिजाइन जितना बड़ा बूटी चाहिए उतना बड़ा पेपर ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया था 4 इंच बाई 4 इंच, आप 8 इंच बाई 8 इंच कर सकते हैं। ये बूटी हो गया। अब सेंटर की डिजाइन बनाने के लिए
सेम उसी तरह से एक कार्डबोर्ड का 4 इंच बाई 4 इंच टुकड़ा लिए, फिर कार्बन लिए और कार्बन को यूं जैसे पहले रखे थे बूटी के लिए वैसे ही रख के एक बार अंदर की ओर मोड़ेंगे ऐसे, फिर इसको दोबारा मोड़ेंगे ऐसे, 4 फोल्ड हो गया। बूटी के लिए 2 फोल्ड किए थे और बीच के सेंटर डिजाइन के लिए 4 फोल्ड हो गया, 2 फोल्ड इधर और 2 फोल्ड इधर, 4 फोल्ड हो गया। अब लेफ्ट साइड की ओर पूरे बंद वाले हिस्से को लेफ्ट साइड की ओर रखेंगे, 2 बंद वाले हिस्से को अपनी ओर रखेंगे। अब 4 फोल्ड में करने के बाद, 4 फोल्ड करने के बाद डिजाइन क्रिएट करते हैं, जैसे कि कॉर्नर से थोड़ा प्रेशर देते हुए 1 लाइन 2 लाइन और फिर तीसरी लाइन भी खींच सकते हैं कर्व करके, आप चाहें तो ऐसे। डिजाइन भी बना सकते हैं इस पे, फिर यूं कर्व लाइन से चांद जैसा डिजाइन बना सकते हैं और इसके ऊपर जितना चाहें डिजाइन ऐड करते जाइए और ये डिजाइन बन गया। ये डिजाइन अब इसे देखते हैं खोल के कि डिजाइन कैसा क्रिएट हुआ। अब कार्बन को हटाते हैं, ये देखिए आपके सामने ये बीच की बूटी तैयार हो गया। सेंटर का डिजाइन बनाने के लिए थोड़ा सा पतला कागज लीजिएगा तो चारों ओर जो है अच्छा स्पष्ट रूप से इंक आएगा। इसी तरह से एक और 2 फोल्ड वाली डिजाइन ड्रॉ मैं कर रहा हूँ। ये 2 फोल्ड वाले डिजाइन जो है आपको किसी भी सूट पे, बाजू पे या कहीं भी इसको डाल सकते हैं। अब देखते हैं इसे खोल कर, ये रहा बाजू बंद डिजाइन जिसे किसी भी सूट के बाजू पे ये एम्ब्रॉयडरी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इस पे सीक्वेंस मोती अम्बी वगैरह लगा सकते हैं, रेशम की कढ़ाई या कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने आज सीखा कि कैसे एक कार्बन और पेपर के हेल्प से कोई भी मनचाहा डिजाइन बना सकते हैं। इस डिजाइन में पेंट भी भर सकते हैं, कलर भर सकते हैं, अलग अलग कलर का कलर हारमोनी का यूज कर सकते हैं, लाइट कलर डार्क कलर के शेड दे सकते हैं, ये काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। इसे भी लाइट और डार्क कलर से शेड देकर पिल्लो कवर पे, कुशन कवर पे बना सकते हैं। तो इस तरह से डिजाइन आइडिया में आपने सीखा आज। और कैसा लगेगा ये जब आप बनाइएगा तो खुद ही आप खुश हो जाइएगा कि कितना आकर्षित कर रहा है आपको अपनी ओर। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।